हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल। तो आज मैं आपको चीला बनाने की रेसिपी बताऊंगी। जैसा कि हमारे घर में चीला बनता है एकदम क्रंची एंड क्रिस्पी, तो मैं बेसन का चीला आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बर्तन लिया है, उसमें मैं ये बेसन ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा बेसन, ये एक कटोरी बेसन होगा। उसी में मैं थोड़ा सा ये चावल का आटा, इससे बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेगा डोसा। आधी कटोरी मैंने चावल का आटा डाल दिया इसमें। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे जिससे कि हमारा थोड़ा सा टेस्टी एंड क्रंची क्रिस्पी चीला बने। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट कोई असर नहीं होता। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड लास्ट मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। उसके बाद नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड अब हम इसको मिक्स करेंगे पानी ऐड करके। थोड़ा पानी और ऐड करूँ। चीले का बैटर हमें थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि जितना पतला बैटर होता है उतना ही क्रंची एंड क्रिस्पी चीला बनता है। अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैंने ये देखिए एक लोटा भर के पानी लिया हुआ था, तो सारा इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। उसको अच्छे से लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। लम्स रहेंगे तो वो ठीक से डोसे का टेस्ट नहीं आएगा, इसके सारे लम्स निकल जाएं। इसको विस्कर से विस्कर, इससे हमारे सारे लम्स मिट जाएंगे और बहुत ही पतला और बैटर बन जाएगा। तो हमारा बैटर एकदम बन के रेडी है। ये देखिए, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि तब मैं आपको एक डोसा मतलब एक चीला बना कर दिखाऊँ। लाइक डोसा ही कह लीजिए इसे, चीला। इसमें हमें बहुत कम तेल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको फर्स्ट अपना बना कर दिखाऊँगी। ये देखिए, चीला हमारा एकदम बनके रेडी। अब हम इसको पलटने के लिए झाड़े का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही क्रंची एंड क्रिस्पी चीला बनता है ये, और आपको इसमें ज़्यादा तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और 5-10 मिनट में ही बनके रेडी हो जाता है एकदम। जब आप कहीं बाहर से आए हो, आपको एकदम भूख लगी हो और जल्दी में कुछ बनाने का कुछ सोचना ना हो, तो जैसे मैगी बन जाती है फटाफट, वैसे ही ये चीला बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है। देखिए, ये पूरा परफेक्टली बनके तैयार है। ये बिल्कुल बन गया है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। देखिए, अब आप इसको ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको मेरा चीला।